हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास फोर्थ का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, गोइंग टू स्कूल। तो देखिए, आप भी कोई बच्चे ऐसे होंगे जो पैदल स्कूल आते हैं, कोई बच्चे ऐसे होंगे जो बाइक में स्कूल आते हैं, कोई साइकिल से स्कूल जाते हैं और कोई बस से स्कूल जाते हैं। तो ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे अपने स्कूल जाते हैं। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। तो अलग अलग जगह के बच्चों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे स्कूल जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आसाम के कुछ बच्चे दिखा रखे हैं जो कि बैम्बू ब्रिज की हेल्प से स्कूल जाते हैं। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। सम टाइम आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। वी होल्ड अवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रिच स्कूल। तो बच्चे कह रहे हैं, बता रहे हैं अपने बारे में, देखिए कि क्या होता है वहाँ, कि कभी कभी इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि उनकी घुटनों तक वो पानी पहुँच जाता है, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाने से रुकते नहीं हैं। वो रोज़ स्कूल जाते हैं, एक हाथ में उनकी बुक्स होती हैं और एक हाथ से वो बैम्बू को पकड़ के किस तरीके से देखिए स्कूल जाते हैं। नाउ इन सेकेंड पिक्चर वी सी द सीन ऑफ लद्दाख। लद्दाख के बच्चों के बारे में हम देखेंगे कि कैसे वो स्कूल जाते हैं। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। ऑन बोथ द साइड इट इज टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। देयर इज अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड अटैच्ड विद द रोप। फोर और फाइव ऑफ अस सिट इन अ ट्रॉली। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। मीन्स बच्चे बता रहे हैं कि कैसे ट्रॉली बंधी रहती है चट्टानों से और मजबूत पेड़ों से रस्सी को बांधा जाता है, फिर उस पर ट्रॉली लगाई जाती हैं। और ट्रॉली क्या है? एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। एक बॉक्स जैसा है जो कि किससे बना है? लकड़ी से बना है। और उसमें सिर्फ चार या पांच बच्चे एक टाइम में उस पे बैठ के जो है उसको क्रॉस करते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं? अपने स्कूल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सीमेंट ब्रिज। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज ब्रिज। These are made of cement bricks and iron rods. The ब्रिज may also have steps. Means कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए हमको हमारे जब हम स्कूल जाते हैं या हम कहीं जाते हैं, आपने देखा होगा कि रास्ते पे नदी आती है या तालाब कुछ ऐसा आ गया जिसको कि आपको क्रॉस करके जाना है, तो उसको हमको क्रॉस करने के लिए क्या बने रहते हैं? ब्रिज बने रहते हैं। तो वो ब्रिज जो है उसको उसके ऊपर से हम चल के जाते हैं। तो यहाँ पे सीमेंट ब्रिज की बात की है। देखिए नीचे से नदी जा रही है और ऊपर से क्या बना है? सीमेंट का ब्रिज बना हुआ है, तो उस पर चल के क्या है लोग क्रॉस कर रहे हैं नदी को। अब देखिए वो किससे बना है? सीमेंट से बना है, ब्रिक्स है, आयरन रॉड्स से मिलके बना हुआ है। हैव ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। और ब्रिज जो है पुल जो बना है उसमें क्या है? स्टेप्स भी हैं, सीढ़ियाँ भी हैं। नाउ नेक्स्ट इज वलम। अवलम क्या है? केरला के कुछ जगहों पर वलम यूज़ की जाती है। ये किसको कहा जाता है? वलम बोट को कहा जाता है। अ स्मॉल वुडन बोट टू रिच स्कूल। स्कूल जाने के लिए ये लोग देखिए केरला के लोग बोट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट पिक्चर फ्रॉम राजस्थान। तो यहाँ पे कैमल कार्ड दिखा रखा है। देखिए वी लिव इन अ डेजर्ट। देयर इज सैंड ऑल अराउंड। It gets very hot in the day. We ride in a camel cart to reach school. तो देखिए जो ये लोग कहाँ की है? ये राजस्थान की है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत होती है और दिन में ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो ये बच्चे किस पे चढ़ के जाते हैं? कैमल कार्ट पे बैठ के जाते हैं। नाउ इन नेक्स्ट पिक्चर आप देखेंगे बुलक कार्ट है। ये देखिए बुलक कार्ट है। व्लेज इन अ प्लेन्स। प्लेन्स में जो गांव हैं वहाँ पे ऐसे बुलक कार्ट में बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। वी राइड इन अवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स।
If it is too sunny or raining, we use our umbrella. अगर बहुत ज़्यादा धूप है या बारिश है तो क्या यूज़ करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए यहाँ के? अम्ब्रेला, छाता यूज़ करते हैं. देखिए, bicycle ride. We ride our bicycle on the long road to school. At first, girls here did not go to school because it was too far. But now, groups of 7-8 girls easily ride even through the difficult road. अब देखिए, bicycle से ride करते हैं. तो यहाँ देखिए बच्चे कैसे बाइसाइकिल से स्कूल जा रहे हैं. पहले जो है लड़कियाँ स्कूल नहीं जाया करती थी यहाँ की, क्योंकि स्कूल जो है बहुत दूर हुआ करती थी. लेकिन अब जो है लड़कियाँ भी स्कूल जाने लगी हैं. 7-8 लड़कियाँ आसानी से एक साथ बाइसाइकिल में जाती हैं. मीन्स अलग अलग बाइसाइकिल, वो अपनी अपनी बाइसाइकिल लेकर सब लोग अपना ग्रुप बना के अब स्कूल जाते हैं. तो आज आपने ये चैप्टर पढ़ा. अब देखिए, सीमेंट ब्रिज है तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपनी रफ नोटबुक में कर लेंगे. हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज? बैम्बू ब्रिज से जो ये सीमेंट ब्रिज दिखा रखा है, ये कैसे डिफरेंट है? सीमेंट ब्रिज इज वाइड एंड स्टेबल, क्योंकि सीमेंट ब्रिज जो है बहुत ही चौड़ा है और चलने के लिए भी स्टेबल है. हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? कितने लोग आप सोचते हैं कि एक बार में इस ब्रिज को पार कर सकते हैं? अबाउट 20, हाँ 20 या उसके करीब जो हैं इसको, इस ब्रिज को एक बार में पार कर सकते हैं. इफ़ यू हैड अ चांस, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ एंड वाई? अगर आपको चांस मिले तो आप कौन सा ब्रिज जो है पे चलना पसंद करेंगे और क्यों? तो ऑब्वियसली सीमेंट ब्रिज पे चलना पसंद करेंगे. क्यों? क्योंकि इससे क्या होगी, आसानी होगी इस पे चलने पे और ये सेफ भी है आपके लिए. Do you have to cross any bridge on the way to your school? If yes, what is the bridge like? अगर आप स्कूल जाते हैं, आपके रास्ते में भी क्या कोई ब्रिज पड़ता है ऐसा? ये आपको खुद करना है. देखिए कि अगर पड़ता है तो लिखेंगे कि कौन सा ब्रिज है, सीमेंट ब्रिज है, बैम्बू ब्रिज है, कैसा ब्रिज है जो आपके रास्ते में पड़ता है. वैसे सीमेंट ब्रिज ही होगा अगर आप ब्रिज पड़ता है तो, अगर नहीं पड़ता है तो नो.